वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। लास्ट वीडियो में मतलब कल के वीडियो में हमने देखा था पार्ट टू में हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर और रेडॉक्स रिएक्शन। अगर समझने हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग वही है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आता है कि नहीं आता, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इन केमिस्ट्री। ये सिर्फ ये चैप्टर के लिए ज़रूरी है ऐसा मत समझना, फ्यूचर में 12th में भी ऐसे दो चार चैप्टर आएंगे कि जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं दोस्तों। तो आप लोग थोड़े से समझ सोच समझ के विचार के इसको हैंडल करना है आपको, और समझना है, और जो नहीं आता है वो मुझे पूछना है। क्लियर है दोस्तों? कितने बच्चों ने वो वर्क किया हुआ है, कितने बच्चों ने जो कल वर्क दिया था वो कंप्लीट किया हुआ है वो मुझे बताएंगे। वेरी गुड टीचर। और किसी ने किया है? वेरी गुड कुश। और चार्मी, फाइन, अभिमन्यु, नील, टंडेल, जश, वेरी गुड। परी, आपने किया है? सही बताना। वेरी गुड। तो मैक्सिमम बच्चों ने किया हुआ है। तो आपको फ्यूचर में कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में टेंशन नहीं आएगा। एक चीज़ हम भी यहाँ पे देखेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि आपको बोल दिया और ख़त्म हो गया। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे कि जिसके ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करने होंगे फ्यूचर में भी। जैसे कि हम थोड़े बहुत देख लेते हैं, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नया सा टॉपिक है, स्टॉक नोटेशन। क्या है दोस्तों? एक वर्ड है, शायद आपने वो थियरम पढ़ा हो तो शायद उसमें एक वर्ड आया होगा, स्टॉक नोटेशन। और वो स्टॉक नोटेशन क्या है? तो ये स्टॉक नोटेशन क्या होता है तो मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। यस, अल्फ्रेड स्टॉक एक जर्मन साइंटिस्ट है, अल्फ्रेड स्टॉक। उसने कुछ अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि भाई अगर कोई आपको ऐसा पूछता है, चलो बेटा इसका नाम क्या है, ये दोनों का, सॉरी Fe2O3, तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों का नाम हमें पता नहीं था, लेकिन किसी ने बोला कि इसका जो नाम है वो फेरस ऑक्साइड है और इसका फेरिक ऑक्साइड है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है समझ लेना दोस्तों। बहुत सी सिंपल बात है लेकिन समझने वाली बात है कि FeO के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज +2, है ना? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। अगर आप फाइंड करोगे तो, क्योंकि ये -2 है और ये +2 हो जाएगा। ऐसे ही Fe2O3 में ऑक्सीजन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से -2 तो है ही नॉर्मली, और Fe+3 है, तो फेरिक में Fe+3 होता है। हाँ या ना? तो अल्फ्रेड ने ऐसा सोचा समझा और बोला कि भाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयरन रोमन में 2 ऑक्साइड, और इसमें आयरन रोमन में 3 ऑक्साइड।
मतलब आयरन ऑक्साइड दोनों को बोल दिया, लेकिन स्पेसिफिकली ये कौन सा है, मैंने कभी आपको बोल दिया कि चलो लिखो आयरन ऑक्साइड, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे आयरन मतलब एफ ही और ऑक्साइड मतलब उसके साथ ओ हो, ऐसा कोई कंपाउंड मुझे लिखना है। तो उस टाइम आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मुझे आपको स्पेसिफाइड करके बोलना पड़ेगा कि आयरन टू ऑक्साइड फाइंड करो, या तो ड्रॉ करो, या तो आयरन थ्री ऑक्साइड ड्रॉ करो। समझ में आया? इसीलिए इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, आयरन टू ओ एंड आयरन थ्री ओ टू, Fe2O3 में Fe3O2 हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो ऐसे ये कंपाउंड हो गया आपका फेरस एंड फेरिक। नंबर टू एग्जांपल में बता रहा हूं, AuCl एंड थर्ड वन इज, सेकेंड वन इज AuCl3। अब इसका नाम क्या होगा दोस्तों? औरस क्लोराइड है ना, और इसका ऑरिक क्लोराइड। सर ऐसा क्यों हुआ? ऑस ऑस इक इक दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसमें व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ AU, आप लोग मुझे बता सकते हो दोस्तों? फाइंड इट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ AU? AU हैज प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर, सो हियर इज AU प्लस वन। जब भी AU प्लस वन बनेगा तो उसको हम औरस बोलेंगे, और हियर AU प्लस थ्री तो उसको औरिक बोलेंगे। तो दोस्तों हमें इसका नाम क्या लिखना है? समझ में आया? ऑरस मतलब इसको लिखा जाता है AU1 क्लोराइड, और इसको AU मतलब क्लोराइड मतलब Cl, सीधा लिखोगे तो भी चलेगा, थ्री Cl3, ऐसा हम लिख सकते हैं। है तो दोस्तों आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? यस। दूसरी चीज ये खत्म हो गई। तीसरी चीज आ रही है कि भाई SnCl2 और SnCl4, तो आप लोग क्या बोलोगे दोस्तों इसको? स्टेनस क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड। तो दोस्तों इसे क्या पता चला आपको? स्टेनस एंड स्टेनिक। तो दोस्तों इसमें तीन जो है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस टू। बच्चों मैंने प्लस टू लिखा, कितने बच्चों को समझ में आया? SN का प्लस टू कितने बच्चों को समझ में आया? आया है तो ओके लिखो सर। यस सर, वी गेट इट, क्योंकि वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। SN+2 लिखा, वही तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, क्योंकि ये क्लोरीन का माइनस वन है और टीन का प्लस टू हो जाता है। और हम जो मेथड पढ़ लिया ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने की, उसी से ही हमें ये करना है। चलो स्टेनिक क्लोराइड में SN का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ये बताए फटाफट, फटाफट बताइए बेटा, फटाफट। तो क्या लिखोगे आप लोग? वेरी गुड, SN+4। तो चलो वेरी, समझ में आ रहा है आपको? तो ये प्लस फोर हो जाएगा। तो इसको क्या लिखा जाता है? SN रोमन में 2 Cl2, SN रोमन में 4 Cl4। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है ना दोस्तों? वेरी गुड। अब मैं दूसरा एक दे रहा हूं, नंबर फाइव।
HG2Cl2 और दूसरा है HgCl2। अच्छा सर, ये तो आप हमें फंसा रहे हैं, इधर आपने ऐसा क्यों लिखा? HG2Cl2 क्यों लिखा? इट इज ऑल्सो राइट लाइक दिस HgCl, लेकिन इट इज स्टेबल इन अ डाई मॉलिक्यूल फॉर्म, सो वो डाई मॉलिक्यूल में ही हमें मिलता है। मर्क्यूरस, क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो दोस्तों चलो, ये पहले वाले में मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया दोस्तों, फटाफट से बताओ। +1, वेरी गुड। और इसमें +2, तो इसको क्या लिखा जाता है? Hg2 1 Cl2, और इसमें Hg2 Cl2। बच्चों समझ में आया आपको? आया कि नहीं आया? आ जाना चाहिए। CuCl और CuCl2, ये CuCl को भी हम Cu2Cl2 के फॉर्म में लिख लेते हैं कभी कभी, तो भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 ही होगा, जिसको हम बोलते हैं Q+ क्लोराइड, और इसको बोला जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड। इसमें Hg+1 लिखना, Hg+2, Cu+1 और Cu+2 है Cu1Cl, Cu2Cl, ऐसा लिख सकते हैं। अगर बच्चों आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया दोस्तों स्टोक नोटेशन? इससे एक बात तो प्रूफ हो जाती है, जो हम लिख रहे हैं इधर देखो, अलग कलर का पेन लेके हम सोच दिखाना चाहते हैं कि भाई एक बात तो फिक्स हो गई इधर, अगर लेस ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो हमें क्या देगा? वो अस। और मोर ऑक्सीडेशन नंबर एक। चलो ये चीज समझ में आई। और दूसरी चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि Fe के दो ऑक्सीडेशन नंबर में +2 एंड +3 है। कभी भी गलती से +1 +3 +2 +4 ऐसा नहीं लिखना है। और गोल्ड जो है उसके ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो सकते हैं? +1 एंड +3 हो सकते हैं। इसको याद रखना है, ये अलग से लिख लेना आप लोग कि भाई देखो ऐसा Fe है +2 +3, फिर Au है +1 +3, फिर क्या है दोस्तों, Au, तो ये हो गया। Sn है तो +2 +4, और Hg है +1 +2, समझ में आ रहा है? Cu है +1 +2। तो ऐसे दो दो ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी के दिखते हैं तो जो छोटा वाला है उसको अस लगता है और बड़ा वाला है उसको इक लगता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यस और नॉट? तो कभी भी आपको अस और इक वर्ड जब आ जाता है तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। समझ में आया बच्चों? ओके हो? यस। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों।
स्क्रीनशॉट लेके ओके लिखो। ओके डन। चलो बच्चों, यहां पे मैं आपको ये 8.3 वाला प्रॉब्लम करवाना चाहता हूं, है ना। आप लोग बुक के अंदर मत देखना दोस्तों। चलो उसके लिए आप लोग सिर्फ मैं पूछूंगा उसका आंसर मुझे दोगे। HAuCl3 ये पहला वाला कंपाउंड है, HAuCl3। मुझे बोलो दोस्तों, आपको स्टोक नोटेशन में मेटल को ही पकड़ना है और मेटल के ही ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना है। तो मैं Au का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1, हाइड्रोजन का तो प्लस 1 होता है, वो हमने समझ लिया था। Cl का माइनस 1 होता है इज इक्वल टू 0। Au माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू Zu। Au का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसके लिए? +2। तो हम स्टोक नोटेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट लाइक दिस, HAu2Cl3। तो दिस इज योर स्टोक नोटेशन के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड को हमने लिख लिया, ऐसा मान सकते हैं। ये Au2, सर हम Au के पीछे क्यों पड़े हैं? और ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज याद रखना नील, कि भाई मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखना, कभी अगर मिस्टेक से भी अगर आपका नेगेटिव आ जाता है तो थोड़ा सा स्टॉप होके उधर आपको सोचना है। चलो दूसरा एक दे रहे हैं, Ti2O। अगर मैंने दिया तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू Ti, Ti मीन्स टिटेनियम, प्लस O इज इक्वल टू 0। तो हमें Ti को तो फाइंड करना है, O का -2 है, तो 2 इंटू Ti इज -2 इज इक्वल टू 0। तो Ti इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू +1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? Ti2 1O। भाई समझ में आया? क्योंकि Ti के पास ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। FeO, तो ये तो पता ही है आपको, Fe प्लस O इज इक्वल टू 0, Fe प्लस -2 इज इक्वल टू 0, Fe -2 इज इक्वल टू 0, तो Fe इज इक्वल टू +2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? Fe2O। ये स्टोक नोटेशन में रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, वो मेटल का जो सिंबल होता है उसके बाद, ये भी आप समझ के ही काम करना है। Fe2O3, तो देखो 2 इंटू Fe प्लस 3 इंटू O इज इक्वल टू 0। बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? 2 इंटू Fe का तो फाइंड करना है हमें, ऑक्सीजन का तो -2 है। यस, तो अब जाके देखो 2 इंटू Fe -6 इज इक्वल टू 0, तो Fe इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू +3। तो हम लिख सकते हैं Fe2 3O3। चलो रेडी, फिफ्थ नंबर आता है इधर, Cu प्लस I इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ ये दोस्तों? Cu प्लस -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये हेलोजन है, हेलोजन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही प्लस बनता है। क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन तो ऑलवेज -1 बनता है, बाकी सब के साथ आपका आयोडीन -1 ही बनेगा।
तो सी यू इज इक्वल टू प्लस वन, तो हम क्या लिख सकते हैं, सी यू वन आई। चलो नंबर सेवन, सी यू ओ, सी यू प्लस ओ इज इक्वल टू ज़ीरो। ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है दोस्तों, आप लोग बताओ मुझे अभी। माइनस टू ही होता है ना, ऑक्साइड है, तो सी यू इज इक्वल टू प्लस टू। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, सी यू टू ओ रोमन में। चलो उसके बाद एम एन ओ, तो एम एन प्लस ओ इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एम एन माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एम एन इज इक्वल टू प्लस टू हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा है, चलो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एम एन रोमन में टू ओ, नाइन्थ आता है उसके अंदर, एम एन ओ टू, तो एम एन प्लस टू ओ इज इक्वल टू ज़ीरो, एम एन प्लस टू इंटू माइनस टू, एम एन माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एम एन इज इक्वल टू प्लस फोर। एम एन फोर ओ टू हम लिख सकते हैं, भाई समझ में आया, ये फोर है मैंने लिखा है फोर। चलो बच्चों समझ में आ गया हो तो ये प्रॉब्लम 8.3 हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके डन, देन वी कैन गोस टू प्रॉब्लम 8.4। बढ़िया सा एक रिएक्शन है दोस्तों, जगह नहीं है हमारे पास, अब नए पेज पे ही जाना पड़ेगा। बढ़िया सा रिएक्शन है, टू इंटू सी यू टू ओ सॉलिड, सी यू टू एस सॉलिड गिव्स सिक्स इंटू सी यू सॉलिड प्लस एस ओ टू गैस। दोस्तों ये सारे कंपाउंड है, इस आपको ऐसा पूछा है, जस्टिफाइड दिस रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रेडॉक्स, ये रिएक्शन क्या है दोस्तों, ऐसा पूछा है आपको। मैं इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सबका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना चाहता हूँ। चलो सी यू टू ओ में सी यू का फाइंड करना है, टू इंटू सी यू प्लस ओ इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर कुछ गलत हो जाता है तो मुझे बोलना दोस्तों। माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, टू इज इक्वल टू, टू सी यू इज इक्वल टू प्लस टू, सो सी यू इज इक्वल टू प्लस वन। ये सही है दोस्तों कि ये प्लस वन मिला है ना। चलो नाउ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, माइनस टू। चलो ए सी यू का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है मुझे, सी यू टू एस। सर सल्फर का तो आपने बताया ही नहीं, लेकिन दोस्तों सल्फर वो 16 ग्रुप में आता है और 16 ग्रुप में उसके पास दो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल बनता है, इसलिए वो माइनस टू बनता है। अब जाके हम देखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू टू, तो सी यू इज इक्वल टू प्लस वन इन सी यू टू एस,
एंड सल्फर हैज़ अ -2। चलो समझ में आया दोस्तों आपको, वेरी गुड। अब हम आगे जा रहे हैं इसके अंदर और आगे। चलो व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu, अब आप लोग बताओ मुझे। सोचो और गिव द आंसर। नहीं पता, वेरी गुड। कुछ और? जल्दी से फटाफट, वेरी गुड जानी। दो ही बच्चों को पता चला इसके अंदर कैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है, वो टीशा। वेरी गुड। और कोई है कि जिसको Cu का ऑक्सीडेशन नंबर पता है? गुड। दोस्तों थोड़ा हट के सोचो, व्हाट अ चार्ज योर कॉपर गेट हियर। इन Cu इट इज जीरो, सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu इज जीरो। समझ में आया? डोंट बी ए कंफ्यूज। ओके चलो, वेरी गुड। तो इतनी सी बात तो समझ में आ ही गई। चलो SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है मुझे, तो S+2 × O इज इक्वल टू जीरो। S+2 × -2 इज इक्वल टू जीरो। S-4 इज इक्वल टू जीरो, तो S=+4। बच्चों यस और नॉट? एंड ऑक्सीजन हैज़ अ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, एक ही गलती आपका पूरा खेल बिगाड़ देगी, तो आप लोगों को थोड़ा सब्र रख के संभल के वर्क करना होगा। ओके है? चलो अब हम आपको बताते हैं, कॉपर, ये है कॉपर है ना, ये कॉपर Cu+1 में से ये कॉपर बना Cu सॉलिड, देख लेना इधर। Cu+1 में से Cu सॉलिड बना है कि नहीं? है सर, है। तो अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, अगर ये Cu सॉलिड में से Cu बना है, तो आपको एक चीज़ तो पता चली, +1 में से 0 बना, तो आप लोग क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? अच्छा, इतना टाइम लगता है सबको समझने में, इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। छोटे छोटे बच्चे थे तब तो फटाफट आंसर देते थे, तो ये डिक्रीज हुआ। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, तो आप इस रिएक्शन को क्या बोलते हो? जल्दी से, रिडक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि योर कॉपर कन्वर्ट इनटू +1 to +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिडक्शन। अब देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है सर? -2 है, और सामने की ओर भी -2 है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। जिसका चेंज होता है उसी को ही हमें देखना है, इसीलिए सही सही ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तब ही आप अच्छे से और सही तरीके से वो गेन कर सकते हो। कोई बात नहीं, हो तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे देखने हैं हमें इसके अंदर। चलो सल्फर का आया, ये तो +1 वाला 0 हो गया, इसीलिए ये भी रिडक्शन ही हुआ। लेकिन सल्फर की बात की जाए, तो आपने देखा कि रिएक्टेंट में जो सल्फर है वो -2 था, और उसमें से प्रोडक्ट में बना +4,
तो आप लोग क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज, और सब लोग उसको क्या बोलोगे, सर इट इज ऑक्सीडेशन। रेडी दोस्तों, तो बात को समझ में आ गई होगी आपको कि भाई आपको ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शंस को फाइंड करना है कि ये रेडॉक्स हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। दूसरी चीज इसमें हम बोल सकते हैं, रिडक्शन हुआ किसका हुआ दोस्तों, CU2O से CU बनना एक ये भी रिडक्शन है, और CU2S से CU बनना मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ जाना, दैट इज ऑल्सो रिडक्शन, क्योंकि कॉपर तो +1 ही था ना, उसमें से 0 बना। ऑक्सीडेशन, ऐसे दो कंपोनेंट भी इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस वो कर सकते हैं, याद रखना वो आएगा आगे। दूसरी बात, हमें तो इतना समझना है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वही हमारा क्या करता है, CU2S से SO2 बनता है, तो -2 से +4 हुआ, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। आर यू रेडी? एक है ऑक्सीडेंट, या तो हम बोल सकते हैं दोस्तों, ऑक्सीडेंट नाम सुना है, तो हमने आगे बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट, और रिडक्टेंट, रिएक्टेंट नहीं रिडक्टेंट, उसको क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों ये दो चीज़ है आपके पास और हमने बताई है, तो आप लोग इसमें से स्पेसिफाइड करो हु इज ऑक्सीडेंट इन एबो रिएक्शन, जल्दी से। डेफिनेशन हमने दिया था ऑक्सीडेंट कौन होता है, तो हु ऑक्सीडाइज अधर, जो ऑक्सीडेंट होता है वो दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है और खुद का रिडक्शन होता है दोस्तों। तो इसमें ऑक्सीडेंट जो है वो CU2O है ना? यस, और एक तरह से CU2S भी बोल सकते हैं, लेकिन वो उसमें से सिर्फ कॉपर की बात की जाए तब सल्फर की बात नहीं आएगी। और रिडक्टेंट कौन है, CU2S, क्योंकि उस, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, देखो मैं ये पूछ रहा हूँ, चलो मैंने जो हाईलाइट किया CU2O उसका क्या हुआ, सर उसका रिडक्शन हुआ है ना, किसने किया, तो सर CU2S ने किया, इसने किया। तो CU2O का रिडक्शन किसने किया, CU2S ने, तो CU2S खुद दूसरों का रिडक्शन करता है, इसीलिए हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट वर्ड यूज करते हैं। CU2S का ऑक्सीडेशन हुआ सपोज, ऐसा मान लो, तो क्या हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये किसने किया, तो CU2O ने किया, तो CU2O ने CU2S का ऑक्सीडेशन किया, तो CU2O इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स ऑक्सीडेंट। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे जाते हैं दोस्तों। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम जा रहे हैं
8.3.1 टाइप ऑफ रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है दोस्तों? अ कम्बिनेशन रिएक्शन मे बी नोटेड इन द मैनर्स। अच्छा, उसमें बहुत सारे मतलब तीन टाइप के मोस्टली रिएक्शन होंगे, और वो तीन टाइप में भी अलग अलग चार टाइप के रिएक्शंस है। तो आपको पता चला है, सबसे पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, और चौथा है, कुछ आप पेज घुमा के देखोगे तो उसमें डिसप्रोपोर्शन ऐसा वर्ड दिया हुआ है ना? तो ये चार तरह के रिएक्शंस है, उसके नाम में ही उसका आंसर है। आपको रिएक्शन देख के पता चल जाना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरी चीज डिकम्पोजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और डिसप्रोपोर्शन होता है कि नहीं होता है। वो वर्ड को अगर आप अच्छे से समझ लिया तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो हम उसको अच्छे से समझ समझ के देख रहे हैं अभी, देख लो आप लोग। 8.3 टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोग अपना बुक बंद कर दोगे दोस्तों, बुक में देख के नहीं करना है इसको, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में से निकालनी पड़ेगी, जो पड़ी हुई है ना उसको इस्तेमाल करना है। जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर आपने देखा कि मैंने पूछा तो आप गलत रास्ते पे चले गए, ऐसा ही हो जाता है। कम्बिनेशन होना मतलब क्या? सपोज दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए एंड बी विच कंबाइन विथ ईच अदर एंड ओनली वन प्रोडक्ट सी, दैट इज कॉल्ड अ कम्बिनेशन। व्हेन ए एंड बी रिएक्ट विथ ईच अदर एंड गिव्स डायरेक्टली सी, दैट इज कॉल्ड अ, एक ही प्रोडक्ट मिलती है तो, लेकिन वो रेडॉक्स होना चाहिए। हा? क्या होना चाहिए? रेडॉक्स। चलो, इसके लिए मैं आपको, मैं देखो कोई थियरी पार्ट में नहीं जाने वाला हूँ, थियरी पार्ट आप खुद उसको वो कर लेना। कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, यू मस्ट गेट CO2 गैस, यस और नॉट? इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ता था, मतलब जलाते थे हम, पहली बात। तो ये क्या आपका ये रिएक्शन रेडॉक्स है? सर वो तो पता नहीं हमें, तो देख लेते हैं ना हम क्या है वो। चलो देखो इधर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन? फटाफट बोलना आप लोग, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए। वेरी गुड, कार्बन इज एन एलिमेंट, और वो सिंगल है और वो न्यूट्रल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। वो +4 -4 +2 कब दे सकता है? सुनो, जब वो किसी के साथ जुड़ा होता है तब। समझ में आया? चलो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O2 एंड O, मतलब O, इट इज ऑल्सो 0 बिकॉज इट्स एलिमेंट, न्यूट्रल एलिमेंट। चलो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन नाउ? C+O2, सॉरी 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 सॉरी, C+2 × O इज इक्वल टू 0, 2 × -2 इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू +4, सो वी कैन से इट इज +4। और ऑक्सीजन की जब बात होती है तो ऑक्सीजन का क्या होगा?
-2 सर, है ना। तो आप सब जितने भी बच्चे हैं, 28, 29 जितने बच्चे हैं, वो सब आंसर देंगे इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि दो चार बच्चे ही सिर्फ टाइप करेंगे और बाकी के ऐसे ही पागलों की तरह सिर्फ बैठे रहेंगे सिर खुजलाते हुए। नो। तो अब देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे कार्बन में से कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ सर? 0 में से +4 हुआ, तो इट इज़ ऑक्सीडेशन। और O2 में से O बना, मतलब 0 में से -2 बना, तो इट इज़ रिडक्शन। चलो, कितने बच्चों को समझ में आया? जिसको समझ में आया होगा वो इसका आंसर ओके बोल क्लिक के भेजेंगे। वेरी गुड, फाइन फाइन, सब बच्चों को समझ में आना चाहिए, सब सब। चलो, दूसरा एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। सबका टेक्स्ट बुक तो बंद ही होना चाहिए। हाँ, और Mg सॉलिड प्लस N2 गैस गिव्स MgN, मघन बनेगा। तो मघन क्या बनेगा Mg नाइट्रोजन के साथ जुड़ के? हाँ, तो Mg3N2 बनता है। उसका रीजन है मैग्नीशियम ऑलवेज +2 और नाइट्रोजन बेचारा -3 बनता है। तो ये कंपाउंड जब बैलेंस किया आपने तो ऐसा आपको मिला है। चलो, अब इसके अंदर मैं आपको पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg? Mg का ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी गुड परी। चलो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N2? वेरी गुड मेहंदी। ये 2 वाला भी बीच में कोई दिखाई दिया, एलिमेंट है, एलिमेंट इट्स एल 0। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg इन Mg3N2? थ्री इंटू Mg +2 इंटू N इज इक्वल टू 0। दोस्तों, एक चीज़ फिक्स कर लो कि Mg का तो कभी फाइंड करना ही नहीं है, क्योंकि आपके रूल्स में ही है कि सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट ऑलवेज पसेस +2 ऑक्सीडेशन चार्ज, सो इट इज़ अ +2। भाई, समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए आपको इसको फाइंड नहीं करना है। नाउ, नाइट्रोजन कितना है दोस्तों? यस, अब फाइंड कर सकते हो, 3 इंटू +2 +2 इंटू N इज इक्वल टू 0। तो 6 +2 N इज इक्वल टू 0, N हैज़ अ -3, वेरी गुड, तो इट इज़ अ -3। ओके, चलो दोस्तों, क्या हुआ? Mg में से Mg +2 बना, तो क्या लिखोगे इसको? ऑक्सीडेशन। चलो, N2 में से, टीशा वेरी गुड, N2 में से Mg3N2 बना, उसको क्या लिखोगे? रिडक्शन। टीशा वेरी गुड, जो भी पहले लिखेगा उसका नाम बोला जाएगा दोस्तों, और उसको इनाम भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा वो पता नहीं। चलो, अब मीथेन आपने देखा है, इफ़ वी कम्बस्ट द मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इज रिमूव्ड, हम सबको पता है। कंबिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंबशन रिएक्शन। इसके अंदर कंबशन के रिएक्शन भी इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों। चलो, अब हम जा रहे हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन मीथेन? परी, यू वॉन्ट इट? चलो, नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन? देखो, कुछ बच्चों ने -4 बोला और कुछ बच्चों ने +4 बोला, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर कन्फ्यूज हियर। तो हम देखते हैं, चलो CH4,
सी प्लस फोर इंटू एच इज इक्वल टू ज़ीरो। हाइड्रोजन ओनली मेटल के साथ हमने कल के लिस्ट में नहीं लिखा था, लेकिन हाइड्रोजन ऑलवेज प्लस वन बनता है, बट विथ मेटल इट माइनस वन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है, तो C माइनस प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो C इज इक्वल टू माइनस फोर हो जाता है प्लस वन। चलो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O2? वाचा, वेरी गुड, तो इट्स अ ज़ीरो दोस्तों। चलो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड? वेरी गुड मेहंदी, इट्स अ प्लस फोर। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ इन CO2? नील, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इन H2O? टीशा, यू वॉन इट। एंड लास्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इन H2O? टीशा अगेन। चलो रेडी, तो दोस्तों यही आपका जो है इक्वेशंस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग इसको समझ सकते हो। चलो, मीथेन कन्वर्ट इनटू CO2, व्हाट हैपन दोस्तों, जल्दी से बोलो फास्ट। वेरी गुड टीशा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर माइनस फोर से प्लस फोर बना, कुछ बच्चों ने टाइप करके भी रखा है ना। चलो, ये रिएक्शन क्या हुआ, O2 में से H2O बना, वो रिएक्शन क्या हुआ जल्दी से? नील, इट्स अ रिडक्शन। बच्चों समझ में आया? तो इतने एग्जांपल्स है आपके पास कॉम्बिनेशन में कि आप इसको अच्छे से समझ लो तो भी आपका काम इजी हो जाएगा। ये मोस्टली इनका जो टारगेट है कि आप रिएक्शन को पहचानो, कि ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो रेडॉक्स होते हैं, वो हमें पता नहीं होता। चलो, अब हम नंबर टू पे जा रहे हैं। दूसरा है डीकम्पोजिशन। रिएक्शन, तो दोस्तों डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि भाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑपोजिट ऑफ कम्बिनेशन, क्योंकि जो कम्बिनेशन होता है तो जुड़ता है, तो डीकम्पोजिशन में टूटता है। ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड इंटू टू और मोर कंपाउंड्स कंपोनेंट्स, ओके, और उसमें से कोई एक तो क्या बनना चाहिए डीकम्पोजिशन में, प्रोडक्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, प्रोडक्ट में एक एलिमेंट होना चाहिए, तो उसी को डिकम्पोजिशन हम बोलेंगे। चलो, सबसे पहला है H2O लिक्विड, देखा है आपने? यस, अगर इसको आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा दोस्तों? H2 प्लस O2 गैस एंड गैस। सर ऐसा थोड़ी होता है यार, हम घर के क्या पानी गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है? ये गर्म करना मतलब कि उबालना थोड़ी है मटके में डाल के, नहीं, ये बहुत ज़्यादा हीट की बात है जब इसको स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर विथ प्रेशर और हायर टेम्परेचर पे जब इसको गर्म किया जाता है तो ये टूटता है और O2 और H2 बनता है, जैसे वो रिवर्सिबल है ना, इसीलिए। चलो, अब मैं आपको बता रहा पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इन H2O? टिशा प्लस वन, बाकी के बच्चे कहाँ है? और ऑक्सीजन हैज
नील, वेरी गुड, माइनस टू. एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एच टू? एच इन एच टू, वेरी गुड. बहुत सारे बच्चों ने एक साथ आंसर दे दिया. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ? वेरी गुड, तो इट्स अ जीरो. सो द दोनों जीरो जीरो हो गया. तो चलो एच टू ओ में से एच टू बना, तो उसको क्या बोलोगे आप? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ और एच टू ओमो से ओ टू बना मेहंदी ऑक्सीडेशन. चलो रिएक्शन नंबर टू. ऐसे हमने एन ए एच लिया है, एन ए एच सोडियम हाइड्राइड. चलो क्या होगा इसको अंदर? एन ए सॉलिड प्लस एच टू गैस, टू मोल एन ए, टू मोल एन ए एच टू. ओके दोस्तों, तो अब मैं आपको पूछ रहा हूँ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन ए? प्लस वन कि माइनस वन? मेहंदी, देखो बेटा, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है सोडियम, तो इसका ऑलवेज प्लस वन होता है. आप भूल गए, क्योंकि ये मेटल है, मेटल कभी नेगेटिव नहीं बनता नील. चलो हाइड्रोजन, हाँ अभी ही मैंने लिखवाया इसके आगे वाले उस टॉपिक के अंदर, आप भूल भी गए. ये क्या लिखवाया मैंने ये बताओ आप लोग. ऑलवेज एच इज इक्वल टू प्लस वन, बट विथ मेटल इट इज माइनस वन. और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा ना आपने? यस. चलो तो इसीलिए आपका एच माइनस वन है. चलो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम हियर? जीरो. एंड एच टू हैज ऑल्सो जीरो. मैं जीत गया, मैंने लिख लिया. चलो अब देखते हैं हम इधर कि यहाँ पे एन ए एच में से एन ए बनना, उसको क्या बोलोगे आप? रिडक्शन. और एच में से एन ए एच में से एच टू बनना, उसको आप बोलोगे ऑक्सीडेशन. चार्मी, वेरी गुड. चलो रेडी बेटा, अब हम जा रहे हैं के सी एल ओ थ्री सॉलिड, अगर उसको हम डिकम्पोज करते हैं, के सी एल प्लस ओ टू बनता है. जब बैलेंस की बात आती है तो के सी एल एन थ्री ओ टू हमें मिल जाता है. तो ये के सी एल पोटेशियम क्लोराइड और ये गैस बनता है. चलो इसका नाम क्या लिखा मैंने ऊपर वाले का? सोडियम हाइड्राइड. तो ये जो है ना एच, उसको आप हाइड्रोजन बोलते हो. एच प्लस को क्या बोलते हो? हाइड्रोजन आयन. एच थ्री ओ प्लस को क्या बोलते हो? हाइड्रो नियम आयन. और एच माइनस को क्या बोलते हो? हाइड्राइड आयन. समझ में आया? तो ये आप लोग ध्यान में रखना, उसके अकॉर्डिंग भी आपको इसके नॉमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं होगी. चलो इसका नाम क्या है बता दूं मैं? पोटेशियम क्लोराइड. चलो अब, और ये पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड नहीं होता ना, पोटेशियम, गलती हो गई, क्लोरेट. पोटेशियम क्लोरेट है ये. चलो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के? टीशा. और भाई के का प्लस वन क्यों लिखा आप लोगों ने?
आपको मैंने तो बताया नहीं कि के का प्लस वन है, बड़ो जल्दी से क्यों लिखा? फर्स्ट ग्रुप का है ना? यस यस यस, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का है इसीलिए ये प्लस वन आएगा। अब Cl का क्या होगा? चलो KClO3, तो K प्लस Cl, वेट नीलेंद्र वेट, प्लस 3 × O इज इक्वल टू 0, है ना? और इसीलिए यस K का प्लस वन है। देखो ऐसे कंपाउंड को कभी भी आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखोगे, आप आद्य प्रतीक ना करोगे, आप उसको फाइंड करके ही लिखोगे। ऑक्सीजन ये ऑक्साइड है इसीलिए ये -2 होता है, तो 1 + Cl - 6 इज इक्वल टू 0, तो Cl - 5 इज इक्वल टू 0, तो Cl हैज +5। आपको ये पता है, मैंने एक चीज़ लिखवाई थी, -5 नहीं +5, खुश, एक चीज़ लिखवाई थी कि क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन मस्ट बी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो दे आर 5 हियर। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? -2, और पोटेशियम +1, Cl का -1 और O2 का 0। तो दोस्तों समझ में आया? अब हमें K का ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो तो +1 लिख के दे दिया है हमने, तो किसका होगा? +1 और +1 बन गया। Cl का देखो व्हाट हैपन इन KCl, +5 में से -1, तो क्या बोलोगे उसको? रिडक्शन। और ऑक्सीजन का देखो दोस्तों, -2 से 0 इंक्रीज हुआ, इट इज ऑक्सीडेशन, है ना? और एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, हम सबको पता है अगर उसको हीट करते हैं तो CaO+CO2 गैस में कन्वर्ट होता है। चलो ये व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इन CaCO3? यस, ये +1 है क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप का है, और ये +2 है क्योंकि वो सेकेंड ग्रुप का है। समझ में आए? चलो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन? तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, CaCO3 को फाइंड करना है, तो Ca+C+3 × O इज इक्वल टू 0, तो ये है +2 प्लस सी, 3 × -2 इज इक्वल टू 0, -6 इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू +4। चलो ये कार्बन का +4 मिला, ऑक्सीजन हैज अ -2। चलो ये कैल्शियम कितना हुआ? वेरी गुड, +2 और ये -2, ये +4 और ये -4। चलो आप लोग बताओ ये रिएक्शन क्या हुआ? जल्दी से, ऑक्सीडेशन के रिडक्शन। वेरी गुड, दो बच्चे एकदम कंफर्म है कि ये रिडक्शन हुआ, लेकिन बाकी के थोड़े से शांत हो गए, और उसका रीज़न ये है कि ये नॉर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन, क्योंकि देखो कैल्शियम +2 है, सामने +2 है, कार्बन +4 है, सामने +4 है,
ऑक्सीजन माइनस टू है, तो सामने सब जगह पे माइनस टू है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन भी नहीं दिखाएगा कि रिडक्शन भी नहीं दिखाएगा, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, कुछ समझ में आया दोस्तों, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोल सकते। मैंने ऊपर एरो लिख दिया तो हमें रिडक्शन लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं है। एरो ऊपर लगाना मत लगाना, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर हो गया दोस्तों, तो हो गया है, तो ये रेडॉक्स नहीं है दोस्तों। तो ये रेडॉक्स है कि नहीं है वो डिपेंडेड किस पे है, यस, तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, यहाँ तक रखते हैं, बाकी का काम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।